गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास टेंथ में जो चैप्टर नंबर 3 जो कि एक्चुअल में आपका चैप्टर नंबर 4 है, एक से एक चैप्टर जो है कटा हुआ था आपका इस साल के लिए, तो इसको लिए इसीलिए मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 डाल रहा हूँ। द्विघात समीकरण, हम लोग पिछले क्लास जो वीडियो में जो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में सीख रहे थे, और उसमें से जो पहली विधि थी गुणनखंड विधि, इसके बारे में हम लोग अब जो इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो तीसरी विधि है शुद्ध का प्रयोग करके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाकर जो है कैसे हम लोग जो है द्विघात समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम लोग जो है द्विघात समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको एक जो है एग्जाम्पल आपके साथ ले लेना है, और उसी की सहायता से इसको हम आपको दिखाएंगे और उसको हम आपको समझाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया 2x² - 7x और जो है +3 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हमको हल करना है, इसके हल को निकालना है जो है कैसे, पूर्ण वर्ग बनाकर। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, उस स्टेप को मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसी स्टेप को एक एक करके इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ, और अप्लाई करके हम आपको इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। अब देखिए, पहला सबसे पहला काम क्या करना है कि चर के सभी पद बाई ओर तथा अचर को बराबर के दाई ओर करते हैं, इक्वल टू का साइन है। पहला स्टेप देखिए यही है कि जो वेरिएबल है चर वाले टर्म को इक्वल के लेफ्ट साइड में बाई तरफ, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इक्वल के दाई तरफ करते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे, देखिये (2x²-7x) को मैं बराबर के लेफ्ट साइड में रहने दिया, और उसको मैंने भेज दिया राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां पे माइनस की हो गया। पहला स्टेप समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि x² के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग करते हैं। जो x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी हम 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग के इसको जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे x² बचेगा, 2 से कट गया, और यहाँ जब भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/2x, और राइट साइड में क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -3/2। ये भी बात आपको समझ में आई होगी कि जो x² का गुणांक है, x² का जो गुणांक है उसी से पूरे इक्वेशन के दोनों तरफ जो है भाग दे दिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्या करेंगे, किसका, यक्ष के गुणांक का आधा। यक्ष का गुणांक क्या है, 7/2, ठीक है। 7/2 का जब आधा करोगे तो आएगा आपके पास 7/4, ठीक। देखिए क्या करना है, देखिए यही काम करना है कि x² - 7/2x इतना तो है ही, अब इसमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ देना है इसका आधा, यानी इसका आधा क्या आएगा बताइए, आ जाएगा 7/4। इसके आधे का वर्ग जो x का गुणांक है 7/2, उसका आधा करेंगे तो 7/4 आएगा, उसका वर्ग करेंगे तो वो वर्ग जो है मैं जोड़ दिया अलग से, जब लेफ्ट साइड में जोड़ा हूं बाई तरफ तो वही चीज सेम चीज आपको दाहिनी तरफ भी जोड़ना है, 7/4 का वर्ग जोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab क्या बन गया, a - b की जगह क्या है 7/4, इसका ये वर्ग बन गया a² + b² - 2ab करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बराबर हो जाएगा इसके, ध्यान दीजिए कि हो जाएगा -3 हुआ अपान 2 नीचे आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 अपान 4 = 16,
कितना तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम मिल गया कितना, देखिए एलसीएम आपको मिल जाएगा 16, फिर 2 8 16 8 24 माइनस 24, और यहाँ से प्लस कितना आ गया, 16 1 16 1 49 आ गया। यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, बराबर हो जाएगा 25/16 के। ठीक, अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को हम क्या करते हैं हटाते हैं इधर से, ये क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, रूट में आने के बाद क्या आ जाएगा 5/, ये आएगा ना प्लस माइनस 5/4, इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे के स्टेप को हम देखिए यहाँ पे करने जा रहे हैं, इस चीज को हटाते हैं और यहीं पे मैं उसको आपको दिखाता हूँ, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपका यक्ष के लिए काम करना है, देखिए क्या आगे यहां से आपको मिलेगा यही चीज, यक्ष माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अरे पहली बार मैं प्लस लेता हूं, जो है पहली बार प्लस दिया 5/4, अब क्या करेंगे यक्ष को यहीं पे रहने देते हैं, ये कर दे हैं इसको उधर भेज देते हैं, 5/4 पहले से है इधर, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस 7/4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये बराबर किसके हो जाएगा 7/5 12/4, कट करेंगे कितना आएगा 4 3 आ गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई एक वैल्यू तो x की आपको कितनी मिल गई 3 मिल गई, लेकिन जब निगेटिव वाला लेंगे तब क्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब हम जो वहां पे प्लस वाला लिए थे अब माइनस वाला लेंगे, माइनस 5/4, ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/4, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस 7/4 हो गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो जो डिनोमिनेटर 4 ही आ रहा है, 7 से 5 माइनस से कितना गया 2 आ गया, 2/4 कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना गया 1/2, एक दूसरी वैल्यू मिल गई, क्यों दो वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो हमको दो वैल्यू x की मिलेगी, मिलेगी एक आपको 3 मिल गया और दूसरा मिल गया क्या, दूसरा मिल गया आपका 1/2। तो इसको एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं, करना क्या होता है, दिए गए समीकरण को पहले वेरिएबल जिसमें भी x लगाओ या y लगाओ या z लगाओ, कोई भी वेरिएबल लगाओ, कोई भी चर लगाओ, उसको इक्वल के एक लेफ्ट साइड में कर लेते हैं और जितने भी जो भी कांस्टेंट होता है उसको राइट में भेज देते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या करते हैं, उसके बाद जो यक्ष का, अगर यक्ष में केवल यक्ष ही होता तब कुछ नहीं करते, अगर यक्ष में कुछ गुणांक रखा हुआ है जैसे 2 4 6 कुछ भी रखा हुआ है तो इसी गुणांक से पूरे इक्वेशन को भाग दे दो, भाग देंगे देखिए हमें भाग देते हैं जो है ये कट गया ये भी हो गया और सब जगह भाग दे दिए। अब उसके बाद क्या करना होता है, तीसरा स्टेप, जो यक्ष का गुणांक है ये 7/2 उसका आधा करके और वर्ग करेंगे, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा और उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके हम वहां से यक्ष की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं, बात आपको समझ में आई होगी है ना। जो दूसरा आपका तीसरा जो है द्विघात समीकरण को हल करने की जो तीसरी विधि है वो सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, इसको कैसे हल करते हैं या इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं उसको आइए हम आपसे बात करते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ax2 + bx + c = 0, यह एक द्विघात समीकरण है, इसमें भी शर्त है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर द्विघात नहीं बचेगा, फिर यहाँ से लीनियर बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो श्रीधराचार्य, देखिए जो सूत्र दिया है वो जो है मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी ने, उन्होंने ये सूत्र दिया है, उन्हीं के नाम पर इसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि इसका जो हल दिया जाएगा वो इस फार्मूले से दिया जाएगा, इस सूत्र से दिया जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके दो मूल होते हैं, आपको पता है द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों मूल अलग अलग अगर आप निकालना चाहोगे, अलग अलग रखना चाहो तो क्या हो जाएगा, पहला मूल x का ही हो जाएगा
क्या चीज, मतलब पहला पूर्ण हो जाएगा माइनस बी, हम यहाँ पे पहले प्लस लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और इसका दूसरा मूल होगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस, यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, माइनस जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन टू ए, टू ए, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यही जो है आपका सीधा उपचार फार्मूला है, और यही जो है इसी का प्रयोग करके हम कैसे किसी द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसको आप लोग जान लीजिए, जानते रहिएगा कि जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर छोटे छोटे दो तीन चीजें और जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या, मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विविक्तकर, क्या कहा जाता है, इसे विविक्तकर कहा जाता है, जो है विविक्तकर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी विविक्तकर को जो है डी से डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है विविक्तकर को अंग्रेजी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसी के पहले लेटर से इसको डिनोट किया जाता है डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब देखिए अगर ये चीज बी स्क्वायर, दो तीन चीजें इसमें जाननी है, पहली चीज ये जाननी है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जो है क्या हो, ये जीरो से कम हो, यानी क्या हो, जो विविक्तकर है, विविक्तकर की वैल्यू अगर जीरो से कम हो तो दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। अगर ऐसा है तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर ऐसा है तब दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। और देखिए यदि विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक बराबर होगा। ठीक, जब विक्टर डी की वैल्यू जो है जीरो के बराबर होगी तब, और किसी कंडीशन क्या, यदि विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो, उस स्थिति में क्या होगा, तब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर नहीं, अलग अलग होंगे। क्या तब क्या होगा, तभी होगा दिए गए समीकरण के दो मूल क्या होंगे वास्तविक और अलग अलग होंगे होगा। कहने का मतलब कि अगर जो है विविक्तकर की वैल्यू जीरो से कम है
ये वाला फॉर फॉलो करेगा बराबर है ये, और जो है ज्यादा है तो ये, ठीक है। इस तरह से हम सबसे पहले मिलकर निकाल लेते हैं और उसके बाद पता कर लेते हैं उसके मूल जो वास्तविक होंगे या फिर जो है इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन लिया गया है वह कह रहा है कि समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, यानी दिए गए समीकरण को हमको सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो आइए देखते हैं, तो समीकरण क्या दिया है, समीकरण अपने पास यही है कि 2x² - 7x + 3 = 0 को मैंने मान लिया, से समीकरण क्या है, एक है, ठीक है। तो समीकरण एक जो है इसकी तुलना किससे कर दें, जो इसका मानक समीकरण है, मानक समीकरण क्या है, मानक विकास समीकरण x² + bx + c = 0, क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण एक, समीकरण एक की तुलना मानक द्विघात समीकरण समीकरण x² + bx + c = 0 से करने पर क्या कर रही है, यहां पर जो समीकरण दिया गया उसकी तुलना जो है जो मानक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 है उससे करेंगे। देखिए क्या करें, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए तुलना करेंगे तो a² आपको मिल जाएगा 2 और देखिए b² मिल जाएगा -7 तथा c² क्या मिल जाएगा, c² मिल जाएगा 3। देखिए x² का गुणांक a, x² का गुणांक 2 और x का गुणांक -8 तो b की वैल्यू 7 आ गई, c जो है 3 है आ गया। अब देखिए श्रीधर फार्मूला क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, ये सूत्र आपका यही है ना, अभी आपने देखा कि x = -b + -√(b²-4ac/2a), यही फार्मूला हम प्रयोग करके यक्स की दोनों अलग अलग वैल्यूज है उसको हम निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहले यक्स की जो वैल्यू पहली वैल्यू आएगी वो यही आएगी माइनस बी की जगह पे क्या है -7, ये माइनस तो फार्मूले से आ गया और बी की वैल्यू कितनी है -7 है तो हम -7 कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम प्लस वाला फल कर रहे हैं, बाद में माइनस वाला लेंगे, प्लस √(b²) यानी -7 का स्क्वायर, b² - 4 a की जगह पे क्या है 2 है और c की जगह पे 3 है, क्या करें 2 × 3 कर देंगे, कितना समय में आया होगा अपान क्या आ गया 2 × a की जगह पे भी 2 है, 2 तो फार्मूले से और a की जगह पे 2 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x - -(-7) तो प्लस हो जाएगा 7 प्लस, ध्यान दीजिए √(-7)² = 7, 49 आया -4×8=24 कितना तो समझ में आया होगा। अभी देखिए अपान नीचे क्या आ गया 2×2=4 आ गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा x = 7 प्लस, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा √, इसको जो सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अपान क्या आ गया 4 आ गया नीचे, अभी बराबर कितना हो जाएगा 7 + 5/4, ये कितना आ गया 7/5 = 12/4 करें कितना आ गया 3 आ गया, यानी जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई, एक वैल्यू तो x की 3 आ गई, कितना तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे के सॉल्यूशन के लिए हम इस साइड की चीजों को हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, जो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए -b
माइनस सेवन, अब वहां पे प्लस लेते यहाँ पे माइनस लेंगे, अंडर रूट क्या अंडर रूट वही चीज जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, देखिए पूरा देख लीजिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या देखिए माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री पांच टू इंटू टू ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर टू हो जाएगा सेवन माइनस ये आपको मिल जाएगा कितना सेवन सेवन फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर वही चीज मिलेगा। हम चाहे तो यही भी कर सकते हैं माइनस करके, जो है ए मिल गया अब पांच नीचे कितना मिल गया फोर मिल गया, ये कितना हो जाएगा जब स्क्वायर टू सेवन माइनस ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आपका आ गया तो अंडर ट्वेंटी फाइव, अंडर ट्वेंटी फाइव अपान नीचे क्या आ गया फोर आ गया, कितना आ गया सेवन माइनस फाइव अपान फोर, ये कितना आ गया टू अपान फोर, कट करेंगे टू वन जा टू 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 जा फोर, यानी एक्स की जो वैल्यू है कितनी आ गई एक्स स्क्वायर टू आ गया वन अपान टू। ठीक है, इस तरह से हम जो है फार्मूले का प्रयोग करके सीधा का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके हम दिए गए द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको और से प्रैक्टिस करना है जो आपसे हो जाए उस तरह के क्वेश्चन को पूछ लीजिए और उसको आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम आपसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।